बाजार में देखे गए यहाँ पर 10 साल की सबसे बड़ी उछाल और किन 5 बड़े रीजन के कारण ये उछाल हमको देखने को मिली है और क्या वाकई दिवाली से पहले यहाँ पर दिवाली आ चुकी है, जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं अंकित और आप है मार्केट मास्टरो में। सेंसेक्स यहाँ पर आज खुल गया और बाजार जैसे ही खुलता है सेंसेक्स यहाँ पर 38,000 पर चले जाता है, 1900 रुपए की बढ़त देखने को मिलती है। भैया ये इंडियन मार्केट ही यहाँ पर 1900 पॉइंट की तेजी दिखाई देती है। यहाँ पर निफ्टी अगर आप देखोगे तो यकीन ही नहीं होता है कहाँ 10,700-600 पे 700-800 पे अटका हुआ था और आज आप देखोगे 11,300 पे। बोल दो कि एक ही दिन का ये तो यकीन नहीं होता, लेकिन निफ्टी भी यहाँ पर 570 पॉइंट यहाँ पर बढ़त देखने को मिला गया और ऐसा दावा किया गया कि 10 साल में शायद ऐसी उछाल कभी हमको देखने को नहीं मिली। इंडिया में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैक्स के नाम पे ना सब कुछ यहाँ पर बिक जाता है और सब कुछ यहाँ पर चल जाता है। जो भी चीज़ कुछ भी प्रॉब्लम हो बस टैक्स कम कर दो, बाकी आप बस जादू देखो, और वैसे ही जादू यहाँ पर देखने को मिला है। रिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिला है, जो कॉर्पोरेट रेट है टैक्स रेट है उसको यहाँ पर कट कर दिया गया है, लोएस्ट लेवल पाया गया है साउथ एशिया में, ऐसा यहाँ पर दावा किया गया है। अब ये होता क्या है कि जो प्रॉफिट होती है ना, जो अर्निंग होती है, थोड़ा सा उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। जब टैक्स रेट यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं तो टैक्स कम देना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपके हाथ में यहाँ पर ज्यादा पैसा आता है तो ईपीएस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आपको शेयर में थोड़ा सा बूम देखने को मिलता है। और वही यहाँ पर रीजन था जिसके कारण से आज बाजार में आपको यहाँ पर इतनी बड़ी तेजी दिखाई। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया, इसका क्या कारण था? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि रिसेशन चल रही है, स्लो डाउन चल रही है, चाहे आप इसे स्लो डाउन बोलो, बहुत लोग साइक्लिक बोलते हैं, बहुत लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको जैसा बोलना है समझ लो, स्लो डाउन कहीं ना कहीं है, मंदी चल रही है। जीडीपी यहाँ पर 5% पे आ गया है, पिछले 6 साल का यहाँ पर सबसे कम है। क्वार्टर 2 की जीडीपी यहाँ पर आएगी तो और खराब डाटा सामने आ सकते थे, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए गए। क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट था वो यहाँ पर कम कर दिया गया, 30% होता था बेस, वो यहाँ से हटा के 22% तक कर दिया गया। इफेक्टिव अगर आप देखोगे सरचार्ज सेस को मिला दोगे तो तकरीबन इनका 35% के आसपास रहता था, जो अब कम होकर यहाँ पर 25% पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां, IOC है, कोल इंडिया है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, ये लोग 35-36% टैक्स यहाँ पर देते थे, अब इनको 10% का कम टैक्स यहां पर देना पड़ेगा, वो सिर्फ 25% यहां पर टैक्स देंगे। तो इससे क्या होगा कि पैसा यहां पर बचेगा और 10% कम टैक्स, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बात होती है, बहुत पैसा यहां पर बचने वाला है, एक बहुत बड़ा न्यूज है, एक बहुत बड़ा अपडेट है यहां पर कॉर्पोरेट्स के लिए। और बस देखो चारों तरफ खुशी की लहर यहां पर छाई हुई है और दबाकर यहां पर शेयर खरीद रहे हैं, इतना इंक्रीज देखने को मिला है, तभी तो 10 साल के हाई पे यहां पर एक दिन में आपको देखने को मिला है। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये है, जो बड़े कारण के वजह से जो डोमेस्टिक कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद में आएगी, जो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है कि पहले वो टैक्स देते थे 25% के आसपास का, अब यहाँ पर वो कम करके बोला 15 गया, लेकिन सरचार्ज सेस मिला दोगे तो 17% के आसपास यहाँ पर रहेगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अगर आप देखोगे वो भी 18.5% से कम होके 15% यहाँ पर कर दी गई है। चौथी बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने इस बार जुलाई में जब बजट आया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि इस बार बजट से बाजार में तबाही आ सकती है। वर्ड यूज करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने यहां पर किया था। चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, सुनाता हूं उस समय मैंने यहां पर क्या बोला था। बजट के वीडियो में मैंने बता दिया था कि इस बार के बजट से बाजार में तबाही आ सकता है, मैंने वर्ड यूज किया था तबाही। और अब देखो इससे जो गेम था ना गवर्नमेंट का गेम काफ़ी क्लियर था कि वो यहाँ से FPIs पे टैक्स लगाकर सरचार्ज इंक्रीज करके LTCG STCG के थ्रू यहाँ पर 10-15 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, वहाँ से इनका आइडिया था। बोलने के लिए वो 10-15 थे, एक्चुअली में इनको 50,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर मिल जाते। इनका गेम जो था वो FPIs ने रीड कर लिया, इतना दबा के सेलिंग किया, सेलिंग होते गया और बाजार के जो सेंटीमेंट्स थे ना, आप अगर आप देखोगे अगस्त सितंबर लगातार कभी बाजार 800 पॉइंट कभी 700 पॉइंट कभी 500 पॉइंट FPIs ने सेल किया, निकल गए फॉरेन इन्वेस्टर, सब यहां पर सेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये डिसीजन आज नहीं तो कल लेना ही था, नहीं तो बहुत ही खराब हालत हो रही थी। तो इन्होंने यहां पर पूरा टोटली यहां पर अपना जो भी बजट का यहां पर था वो यहां पर रोल बैक कर दिया है, जिसके कारण इनको लॉस तो हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई अच्छा डिसीजन था, देर आए लेकिन वही दुरुस्त आए।
तो मेन रीजन यही था कि भाई अब टैक्स कम देना पड़ेगा तो हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पर दाम अपने कम कर सकते हो, जिसके वजह से आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे रीजन है जिसके कारण से आपको यहाँ पर कंपनियों के जो शेयर प्राइस है, बाजार जो है वो आपको भागता हुआ दिखाई दिया है, और आने वाले 5-6 महीनों तक कुछ ऐसा ही सेंटिमेंट हमें उम्मीद है कि ऐसा बना रहे। लेकिन 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 आपको काफी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा। ये वीडियो मैं यहाँ पर क्योंकि अच्छा वीडियो था, पॉजिटिव न्यूज था, अच्छा चीज बताना था, तो मैंने सिर्फ आपको रीजन दिया है कि बाजार क्यों इतना तेजी से 2000 पॉइंट यहां पर सेंसेक्स बढ़ा है। लेकिन मैं आपको पूरे रिसर्च के साथ इसका इंपैक्ट बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो यहां पर जल्दी आ जाएगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी आपके मन में जो भी है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहां पर लाइक कर दो। तो वीडियो में इतना ही, मेरे वीडियो का यहां पर इंतजार करना, वो वीडियो जो है ना काफी यहां पर मजा आ जाएगा और वो वीडियो आप मिस मत करना। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे जल्दी।